वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बना। देखिए मैंने स्लीव कट कर ली है, आपको साइज बता देती हूँ। देखिए स्लीव की लंबाई मैंने 6.25 इंच ली है और इसकी जो विड्थ ली है मैंने ये 9.25 इंच है। ये आप 32 से 34 साइज की कुर्ती ब्लाउज में स्टिच कर सकते हैं। और देखिए जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये 11 इंच हमारा राउंड में मोहरी है तो 5.5 इंच आएगा और यहाँ से यहाँ तक ही हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। और देखिए ये अस्तर वाली स्लीव है, तो ये स्लीव है इसका अस्तर है तो ड्राफ्ट हम अस्तर भी कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर शोल्डर पर और 1 इंच के बाद यहाँ शोल्डर पर 1 इंच छोड़ दें। 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक ड्रॉप जैसा। ये हमारी इस तरह की एक डिज़ाइन आएगी और अभी हम इस तरह से स्लीव को रख लेते हैं और देखिए यहाँ से इस तरीके से एक डिज़ाइन और आएगी। देखिए जो कट रहेगा इस तरीके का ये हमारा कट आएगा, तो सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। कट कर दिया है और देखिए जो ये ड्रॉप है इसके लिए कैनवास और पट्टी कट करेंगे और जो नीचे वाला प्लेस है इसमें हम कुछ भी कट नहीं कर रहे। देखिए मैंने कैनवास ले लिया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है, ये बंद हिस्सा है और देखिए इस तरीके से रख लें क्योंकि ये भी बंद हिस्सा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम सेम शेप में जो ड्रॉप है हमारी उस तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सेम ड्राफ्ट पर कट करेंगे और इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे। इस तरीके की इसकी शेप आएगी। सेम कपड़ा भी कट कर लेते हैं, कपड़ा भी कट कर लिया है, ये पीस भी कट हो चुका है, इसको इस तरीके से रख लेंगे। और देखिए कपड़ा हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो इसको राउंड में स्टिच कर देते हैं। इसको मैंने पूरा स्टिच कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए जो स्लीव है नीचे सीधा स्लीव रख लिया है, इसके ऊपर अभी अस्तर का जो ड्राफ्ट किया है इसको रख लिया है। और देखिए यहाँ से हम सेम शेप में इसको मोहरी तक स्टिच कर देंगे। मैंने राउंड में स्टिच कर दिया था जो सेप थी और जो स्लीव का कपड़ा था वो कट कर दिया है। अभी जो ये ड्राफ्ट है इसको हम यहाँ पे सेम शेप में स्टिच। तो देखिए बीच में मैंने कट भी दे दिया है और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके किनारे पे सिलाई। तो देखिए ये मैंने किनारे पे सिलाई डाल दी है और इसके साइड में भी स्टिच कर दिया है। और देखिए ये मैंने गोल्डन लेस लिया है। तो देखिए यहाँ शोल्डर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेते हुए इस साइड में और फिर यहीं से दूसरी लाइन आएगी जो कि इस साइड में। देखिए ये लेस मैंने स्टिच कर दी है, जो ये जॉइंट है ये हमारे शोल्डर पर स्टिच हो जाएगा और ये हमारी सेप पूरा सिलाई में दिखेगी। और देखिए यहाँ पे आप चाहे तो रेडीमेड लटकन लगा सकते हैं और चाहे बना के, तो जैसे कि मैं मोती से बना के बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके के बनाए मैंने, ये एक कैप ली और देखिए 2 बड़े मोती लिए हैं और इसमें मैंने 6 मोती छोटे वाले लिए हैं, 5 से 6 मोती आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और सेम कलर का गोल्ड कलर का धागा ले लें और देखिए हम यहाँ पर इसको स्टिच कर चेन भी लगाना है हमको यहाँ पर बता दें। देखिए सबसे पहले एक छोटा मोती ले लेंगे और इस मोती के ये 4 फोल्डिंग के धागे में हमने यूज़ किया है और इसके 2 फोल्डिंग के धागे में से हम सुई को बाहर की तरफ निकाल देंगे तो जो मोती है यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। और जो भी कैप है इस कैप को हम यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे तो कैप से क्या है इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद देखिए ये ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम साइज है ये 2 मोती। जैसे मैंने बताया 5 से 6 मोती आप छोटे वाले इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का ये तैयार हो जाएगा, इसको यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये लड़ी बनाई थी लटकन की मैंने 2 लगा दिए हैं नीचे और 2 ही लगा दिए ऊपर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बीच में आ रहा है, नीचे हमारा ये मोहरी में भी आ रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे ये सब कट आ रहा है। बीच में भी देखेंगे कितना अच्छा कट दिख रहा है, लेस से और भी अच्छा लुक आ गया है। जब आप इसको नॉर्मली जैसे ब्लाउज या कुर्ती में किसी में भी अटैच करना है नॉर्मल तरीके से आपको इसको स्टिच करना है और जब आप इसकी फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आ रही है और कितनी अच्छी इसकी शेप दिख रही है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।